अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ। मैंने सोचा अपनी बेटी के मैंने कपड़े लिए, तो मैंने सोचा माओ के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, कोई सजेशन मिल जाए। तो सर्दियों के कपड़े बच्चों के कैसे लेने चाहिए, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ। मोस्टली माएँ लेती हैं स्वेटर, लेती हैं स्वेटर के साथ उन्हें अलग से पैंट लेनी पड़ती है, और स्वेटर के नीचे कोई पहनाने के लिए हाई नेक वगैरह सर्दियों में लेनी पड़ती है। हाई नेक के साथ फिर उन्हें पैंट के नीचे भी पहनाने के लिए टाइट वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो ऐसे जो है ना सूट बहुत ही एक्सपेंसिव बन जाता है और वो प्यारा भी नहीं लगता। इसलिए सर्दियों में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रैक सूट लूँ। ट्रैक सूट के आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो ये वार्म होता है, ये देखें, ये मेरे पास जो ट्रैक सूट है ना, ये देखें इसका कितना मज़े का इसका ट्राउज़र बना होता है। ट्रैक सूट का फ़ायदा ये होता है, ये मोटा होता है, इसके नीचे आपको कोई टाइट नहीं चाहिए होती। आप इसके साथ, इसके कोट के साथ भी नीचे भी कोई भी हाई नेक पहना सकते हैं, और लगते भी ये बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों को। ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी का लिया था, और ये बहुत ही मोटा है, बहुत ही मोटा और बहुत ही मज़े का स्टफ़ है। ये देखें, ये इस पर थोड़ी सी इस पर ये प्रिंट सा बना हुआ है, और इस पर सितारे लगे हुए हैं, और ये तंग करने वाले सितारे नहीं है। और ये सूट भी बहुत कंफर्टेबल है, देखिए इसके साथ कैप बनी हुई है, ये ऊँट सा बना हुआ है, ये ऊँट कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखें। और ये देखें, ये इसकी पॉकेट्स बनी हुई हैं, कितनी प्यारी पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये देखें बहुत ही प्यारी। ये मैंने अल जन्नत से लिया था, आई थिंक 3600 का ये मुझे पड़ा था, और बहुत ही मज़े का स्टफ़ है। इसका स्टफ़ ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये अंदर से देखें, अंदर से कितना वार्म स्टफ़ है, कितना वार्म बना हुआ है, ये बहुत ही मज़े का है, और तंग करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसका ट्राउज़र ये देखें, इस पर ये वाइट पट्टी सी लगी हुई है, और इसके दो पॉकेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो इसके पॉकेट्स बने हुए हैं बहुत ही मज़े के। ये देखें ऐसे ही, इसके साथ आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक ये देखें, ये भी ऐसे ही मैंने लिया था। ये इतने मोटे होते हैं कि इनके नीचे आपको किसी भी लाइट सी शर्ट भी पहना देना तो बच्चे गर्म रहते हैं। इसके साथ ना ही ऊपर आपको कोई कोट पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बच्चे जब कोट पहनते हैं तो उसका सारा सूट की जो नफासत है ना, सूट की जो खूबसूरती होती है, वो छुप जाती है। ये देखें, ये सर्दियों के लिए बहुत कितना सॉफ्ट और कितना नरम इसका कपड़ा है, ये देखें कितना सॉफ्ट सा है। और इसके बाजू देखें, आगे से ये ऐसे टाइट हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, ये बिल्कुल तंग भी नहीं करते बच्चे को नीचे से। ये इसकी ऐसी ही फ्रिल बनी हुई है, ये बहुत ही। और अंदर से देखें, ये इसका डबल कपड़ा लगा हुआ है इसका, ये देखें कितना ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला। ये देखें, अब इसको ये पूरे से देखें आप, ये भी मैंने अल जन्नत से ही लिया था। इसके साथ ये ना टाइट मैंने अलग से मैच की थी, ये देखें मोटी है, ये कितनी प्यारी लगती हैं ऐसे। इसकी भी पॉकेट्स बनी होती हैं, और ये भी बहुत ही कम्फर्टेबल होते हैं। तो इसलिए ना हमें अवॉइड करना चाहिए स्वेटर वगैरह को। इससे बेहतर होता है कि हम ट्रैक सूट ले लें बच्चों के, जो सर्दियों में बच्चों को लगते भी बहुत ग्रेसफुल हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और रीज़नेबल भी पड़ते हैं आप, और माएँ भी ईजी रहती हैं। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।